अस्सलाम वालेकुम जी, मैं उस्मान इकबाल और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज है 11 अगस्त 2024 और कल हो जाएगी 12 अगस्त 2024। दिन हो जाएगा मंडे का और फॉरेक्स की मार्केट हो जाएगी ओपन। अगर आप लोग एक फॉरेक्स ट्रेडर हैं या क्रिप्टो ट्रेडर हैं या आप लोग स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं तो ये वीक आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीक के अंदर कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। अगर मैं बात करूं तो ईरान ने अनाउंसमेंट की हुई है कि वो इसराइल के ऊपर अटैक कर रहे हैं। उसके बाद इस वीक के अंदर यूएस की हाई इम्पैक्ट की न्यूज, पीपीए की न्यूज आ रही है और सीके की न्यूज आ रही है। इन सभी चीजों को जो है वो हम वन बाय वन समराइज करते हैं कि क्यों ये मार्केट वोलेटाइल होने वाली है, ये मार्केट के अंदर बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो अप एंड डाउन आपको देखने को मिलने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो हम ईरान और इसराइल का जो इस कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि जियो पोलिटिकली जब भी किसी कंट्री में वॉर होती है तो हमने देखा है कि गोल्ड हमेशा अप साइड के ऊपर मूव करता है। एक चीज आपने याद रखी है कि इस दौरान हमने ये भी देखा है कि जो डॉलर होता है वो भी अपसाइड पे मूव करता है और गोल्ड भी जो होता है वो अपसाइड के ऊपर मूव करता है। हालांकि ये दोनों अपने नेगेटिव कोरिलेशन के ऊपर है, क्योंकि जब भी मार्केट में कोई ऐसी न्यूज आती है तो डॉलर नीचे जाता है और गोल्ड अपसाइड पे जाता है, या गोल्ड जो है वो नीचे जाता है और डॉलर अपसाइड के ऊपर जाता है। बट वॉर के दौरान ये दोनों जो पेयर्स हैं ये अपसाइड के ऊपर भी मूव करते हैं, बट जो गोल्ड होता है वो डेफिनेटली बाय साइड के ऊपर जाता है। तो एक चीज तो आपने ये देखनी है कि भाई जियो पोलिटिकली इस वक्त क्या चल रहा है और मार्केट के अंदर क्या हो सकता है। वैसे तो मैं नए के अंदर रहता हूँ, आप लोग मुझे सब्सक्राइब जरूर करें और फॉलो कर लेंगे, मैं आप लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करता रहता हूँ। वीडियो करने का मकसद भी यही था कि जो नेक्स्ट वीक है ये क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं टीपीआई और सीपीआई की न्यूज। देखिए, अगर तो यूएस का ये डाटा जो पीपीआई का और सीपीआई का डाटा है ये नेगेटिव आ गया तो हमें बहुत जल्द फेड के जो चेयरमैन है, जो यूएस फेड है, उनकी तरफ से इमरजेंसी मीटिंग देखने को मिल सकती है जिसके अंदर वो अनाउंस कर सकते हैं कि वो अपना इंटरेस्ट रेट जो है वो कम कर रहे हैं। इसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी रीजन है, मैं आपको कुछ वीडियो के अंदर बताता भी रहा हूँ, क्योंकि जियो पोलिटिकली जो सिचुएशन है ऊपर से यूएस के अंदर इलेक्शन भी है और उसके बाद अगर देखा जाए तो बैंक ऑफ जापान ने कितने सालों बाद जो अपना इंटरेस्ट रेट था वो ज्यादा किया था। अब आपको ये पता होगा कि जो जापान है ये यूएसए का बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, जब उन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ाया था तो उसके बाद हमने देखा था कि मार्केट के अंदर क्रैश हो रहा था, बीटीसी क्रैश हुआ, स्टॉक मार्केट जो है वो क्रैश हुई थी तो उसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा था पूरी मार्केट के ऊपर। अब अगर सीपीए का डाटा और पीपीए का डाटा नेगेटिव आ जाता है, यूएस जो है वो ऐलान कर देता है कि भाई हम अपना इन्वेस्ट रेट जो है वो कम करने वाले हैं, क्योंकि इनको करना ही पड़ेगा, अभी नहीं करते तो जो नेक्स्ट एफओएमसी आ रही है उसके अंदर तो इनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि मार्केट के अंदर जितनी देर तक थी इस तरफ नहीं जाएंगे, यूएसए इन्फ्लेशन की दलदल में धंसता चला जा रहा है और आप लोगों ने बहुत बार वीडियोस के अंदर देखा भी होगा, सुना भी होगा कि जो इस टाइम यूएसए के हालात है, क्योंकि जब बैंक ऑफ जापान ने अपना इन्वेस्ट रेट ज्यादा दिया था तो उसके बाद हमने मार्केट के खिलाफ की देखी थी। अब अगर मार्केट के अंदर सीपी का डाटा और जीपी का डाटा नेगेटिव आता है तो उसके बाद मार्केट के अंदर इंटरेस्ट रेट का ये जो इश्यू अभी चल रहा है जो कि यूएस पास करके बैठा हुआ है, हालांकि वो ये रेट कम करना था, तो आप लोग ये कह सकते हैं कि ये आर्थिक तौर पर मार्केट को लेकर चल रहे हैं और इतना ये लेके चल रहे हैं यूएसए उतना ही इन्फ्लेशन की तरफ बढ़ता जा रहा है। और अगर यूएसए में इन्फ्लेशन आएगी तो आपको पता है कि वर्ल्ड वाइड जो इकोनॉमीज है वो भी वो क्रैश करती है, उनको भी प्रॉब्लम बनता है। तो अभी इस वीक के लिए आप लोगों ने प्रॉपर माइंड बना के आना है, क्योंकि अगर तो ईरान और इसराइल की वॉर के अंदर तेजी आती है तो आप लोगों को बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी, गोल्ड जो है वो आप लोगों को अपसाइड के ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, या अगर सीपीआई और पीपीआई का डाटा नेगेटिव आता है तो फिर एक बहुत बड़ी न्यूज के लिए आप सभी ने रेडी रहना है। उस दौरान भी गोल्ड जो है वो अपसाइड के ऊपर रहेगा और मैंने पीपीआई फोरकास्ट आपके साथ शेयर किया था कल वाली वीडियो में, उसके अंदर भी मैंने आपको गोल्ड के सारे लेवल बताए थे कि आपने बाय या सेल कहां से करना है, तो इन सभी चीजों को देखना है। लेकिन एक चीज को आपने जरूर अंडरस्टैंड करना है कि अगर इतने ज्यादा आपको खुले इशारे मिल रहे हैं कि भाई गोल्ड के अगर बाय होना है तो समटाइम ये लोग आप लोगों के साथ मैनिपुलेशन भी करते हैं और ये लोग खाते को छोड़ रहे हैं और करते को छोड़ रहे हैं, तो ये सारी चीजों को आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। मैं चला अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर लाइव आता रहता हूँ म्यूजिक के ऊपर और आप लोगों को मजीद भी गाइड करता रहता हूँ कि भाई क्या होने वाला है, इसलिए आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लेना है या अगर आप तो फेसबुक पे देख रहे हो तो मुझे फॉलो कर ले, क्योंकि इस वीक के अंदर बहुत ज्यादा मार्केट जो है बोला कैसे आपको देखने को मिलेगी और ये वही मौके होते हैं जब बहुत सारे लोग जो है वो इस मार्केट से पैसा बनाते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं
जो कि मार्केट से लिक्विडेट हो जाते हैं, अपना अकाउंट वॉश कर देते हैं, जिनको नॉलेज होगी, जो कि ट्रेड को समझते हैं, जो इंजीनियर को समझते हैं, उनको एनालिस करके ट्रेड करेंगे, डेफिनेटली वो बहुत अच्छा प्रॉफिट लेंगे। बट जो बगैर देखे ही ट्रेड करेंगे, जो उनको पता ही नहीं कि भाई फंडामेंटली क्या हो रहा है, जियो पोलिटिकली क्या हो रहा है, या टेक्निकल एनालिसिस क्या कर रहे हैं, उसके बगैर ट्रेड करेंगे तो वो फिर वॉश ही होंगे, वो इस मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे। तो इन सभी चीजों को आपको बिल्कुल भी समराइज करना है कि भाई इस वक्त क्या चल रहा है, और ये जो वीक है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी ट्रेडर्स के लिए। आप लोग किसी चीज में भी ट्रेड कर रहे हैं, बीटीसी में, क्रिप्टो में है, फॉरेक्स में है, पॉलिटिक्स में है, जिसमें भी ट्रेड कर रहे हैं, ये वीक आप लोगों को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ओके, आज की जिंदगी आप लोगों को मैं समझाना चाहता हूँ, आप लोगों को अंडरस्टैंड की होगी, और आप लोग जो है वो नेक्स्ट इसको देखकर ही ट्रेड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।